Students, welcome to RS Group of Schools for online classes. Here is Naresh Verma, your English teacher. Today we will continue the topic adjective. The sub part of this topic was completed yesterday, and today we will resume this topic. Next point: when two adjectives qualify the same noun, they must be of the same degree. जब दो कोई क्वालिटीज हो एक ही नाउन की, उनकी जो डिग्री होगी हमेशा वो सेम होगी. जैसे लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ देखिए, इस ये नाउन है, इसकी दो डिग्री हैं, एक तो दो इसकी क्वालिटीज हैं, एक तो फेमस है और दूसरा है हाईएस्ट है. ठीक है, तो हाईएस्ट और मोस्ट फेमस दोनों आपकी सुपरलेटिव फॉर्म में है, ये कह रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब कंपैरिजन होगी किन्हीं दो चीजों के बीच में या दो पर्सन के बीच में, तो हमेशा वो सेम काइंड के होंगे, और अगर सिमिलर उसमें होगा तो दैट ऑफ लगेगा, दैट के बाद में और अगर प्लुरल नाउन आपका है तो वहां पर क्या लगेगा, दो नाउन लगेगा. जैसे लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ मथुरा इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा. दैट ऑफ इज डिटरमाइंड विद द noun climate. Climate is similar, that's why that of. The boys of class 12th are more laborious than those of class 11th. अब यहाँ पे boys हैं, यहाँ पे क्या आएगा, those of आ गया. ठीक है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लड़के क्लास 12th के हैं वो ज्यादा laborious हैं comparison to the boys of class 11th. यहाँ पे the boys दोबारा repeat नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे रिपीट हमने नहीं किया, द क्लाइमेट रिपीट नहीं किया, तो द क्लाइमेट की जगह यहाँ पे लिखा दैट ऑफ लिखा, इसका मीनिंग वही है, द क्लाइमेट है, और यहाँ पर इसका मीनिंग है द बॉडीज. नेक्स्ट पॉइंट, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव मस्ट बी अवॉइडेड. इसका यूज हम कभी नहीं करेंगे, दो बार कंपैरेटिव यूज नहीं करेंगे, दो बार सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे. दो बार का मतलब ये हुआ कि अगर कंपैरेटिव फॉर्म में कोई चीज है उसमें हम दोबारा फिर से मोर यूज नहीं करेंगे. जैसे लिखा है, इट इज मोर प्रेफरेबल देन दैट. Yesterday I told you that prefer or preferable is considered to be in comparative form already. So here when we add more, so this is double comparative. It should not be there. यहाँ पे ये more का यूज नहीं होना चाहिए. Next example, this is the most cheapest room of this area. अब cheapest already आपका superlative form में है, यहाँ पे most आपका नहीं होगा. Clear है? Next point, few, many, several. These are for adjective of number. ये हम यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो करते हैं ये. देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, तो ये फ्यू नंबर शो कर रहा है. ठीक है, बॉयज बिकॉज बॉयज आपका काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम फ्यू यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो. बोथ एडजेक्टिव्स नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, ये जो आपके एडजेक्टिव्स हैं, दे कैन एक्सप्रेस बोथ नंबर एंड क्वांटिटी. मतलब इनको हम नंबर में क्वांटिटी दोनों यूज कर सकते हैं. जैसे लिखा है, देयर इज सम वाटर इन द बकेट. अब ये डिसाइड कैसे होगा यहाँ पर कि नंबर यूज हुआ कि क्वांटिटी यूज हुआ है. सो द नाउन अटैच्ड विद दीस एडजेक्टिव्स विल डिसाइड वेदर दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पर देखिए, वाटर क्या है आपका, ये आपका क्वांटिटी है शो करता है, तो क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर सम क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया. नेक्स्ट आपका लिखा है, सम गर्ल्स आर अटेंडिंग द एग्जाम. अब ये गर्ल्स क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर नंबर हो गया, तो इस समय यहाँ पर नंबर पे यूज होता है. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सम इसमें से एक है जो दोनों यूज, मतलब दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. नेक्स्ट पॉइंट, फ्यू, a few and the few. These are for adjective of number. Few shows, few, the meaning of few is hardly any. मतलब जब यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर कोई नंबर हो, आप यूज करेंगे हम few को. A few means होता है कुछ, थोड़े बहुत कुछ नंबर है उसमें, सम. And the few मतलब होता है not many but all there are. जितने भी नंबर है सारे के सारे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन जितने भी हैं सारे. ऐसे लिखा हुआ है, the few questions you have must be done in an hour. जितने भी आपके क्वेश्चन थोड़े वो बचे हुए हैं वो सारे के सारे एक घंटे के अंदर आपको करने चाहिए.
ठीक है ना। रेडी, नेक्स्ट पॉइंट इज लेस शोज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फीवर शोज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इज बोथ आर इन कंपैरेटिव डिग्री। मिल्क इज लेस देन वाटर इन द डिश, कोई डिश है उसमें मिल्क और वाटर दोनों मिक्स करे गए हैं, तो उसमें बोला जा रहा है कि मिल्क की जो क्वालिटी है वो लेस है वाटर के प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ योर क्लास इज प्योर देन दैट ऑफ माइन। अब सॉरी यहाँ पे दो जोड़ा देन रूल ऑफ माइन, अगर आपको बता दें पहले एक पॉइंट था, अगर आपका यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ आएगा, प्लस हो जाएगा रूल ऑफ आएगा, प्लस भी रूल ऑफ आएगा। सो यहाँ पर फीवर क्यों आया, बिकॉज ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पे क्या आएगा फीवर आएगा। नेक्स्ट है लेटर लेटेस्ट बोथ शोज टाइम, टाइम को शो करते दोनों, क्योंकि लेट का लेट आपका होता है टाइम को शो करता है, लेट का एक कंपैरेटिव फॉर्म है लेटर एंड लेटेस्ट उसका सुपरलेटिव फॉर्म है। ही केम लेटर देन आई, वो मुझसे देर में आया। लेटर लास्ट, लेटर आपका जो है ये है आपका फॉर्मर का अपोजिट है, फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला, लेटर मीन्स बार वाला, एंड लास्ट ये आपका लास्ट है, दोनों शो करते हैं पोजीशन को एंड ऑर्डर को, ये फर्स्ट का अपोजिट हो गया फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। सो द लेटर चैप्टर वाज इजी, मतलब बाद वाला जो चैप्टर था वो इजी था, तो इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल आलिटिल द लिटिल, ये क्वालिटी को शो करते हैं, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा था फ्यू आर टू द फ्यू, सेम तरीके से यूज होता है, बस ये शो करता है क्वालिटी, वो शो करता है नंबर, तो इसको आपको समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फार्दर एंड फर्दर, फार्दर शो करता है डिस्टेंस को, ये फार का कंपैरेटिव फॉर्म है, फार फार्दर फार्देस्ट, और ये है फर्दर, फर्दर मतलब होता है मोर, कुछ और समथिंग समथिंग मोर। ओके, जैसे एग्जाम्पल है कानपुर इज फार्दर देन आगरा फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो डिस्टेंस है कानपुर की और आगरा की, तो कानपुर डिस्टेंस ज्यादा है, फार्दर है मतलब ज्यादा दूरी है आगरा से। नो फर्दर हेल्प विल बी गिवन टू यू, मतलब नो मोर हेल्प, अब और हेल्प आपको नहीं दी जाएगी, फर्दर मतलब हुआ मोर। नियरेस्ट शो करता है डिस्टेंस को, नेक्स्ट शो करता है पोजिशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल विच इज द नियरेस्ट बैंक फ्रॉम हेयर, नेक्स्ट बैंक नहीं कहेंगे, नियरेस्ट बैंक कहेंगे, सबसे नजदीक वाले जो बैंक है यहाँ से कौन सी है। हु इज नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे बाद कौन है, मतलब नेक्स्ट तुम्हारे बाद में जो नेक्स्ट नंबर है किसका है, ये मतलब। एल्डर एल्डेस्ट बोथ शोज द मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली, अगर सेम फैमिली के मेंबर्स को यहाँ पे बताया गया तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एल्डर यूज करेंगे या एल्डेस्ट यूज करेंगे। और याद एक बात और रखनी यहाँ पर इस पॉइंट में, एल्डर के बाद में कभी डैड नहीं आता है, अगर आपको कंपेयर करना है कभी तो वहां पर आप टू यूज करेंगे, डैड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, टू। जैसे देखा एग्जाम्पल सोनू इज माई एल्डर ब्रदर, अगर इसमें कहना है जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल है कि मेरा भाई जो है मतलब मेरा कोई भाई है वो मुझसे बड़ा है, तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ये कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ये शो करते थे कि एल्डर और एल्डेस्ट केवल हम पर्सन्स के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, केवल पर्सन्स के, कभी भी इसको हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओल्डर एंड ओल्डेस्ट को हम थिंग्स और पर्सन दोनों के इस्तेमाल करते हैं। बट अदर देन फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के अलावा दूसरे जो होते हैं लोग उनके लिए यूज करेंगे, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज करेंगे, और थिंग्स के लिए भी आता है। जैसे लिखा है ही इज ओल्डर देन यू, अभी ही एंड यू दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, तो वहां पर हमने कंपेयर किया, ही इज ओल्डर देन यू। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, अब ट्री क्या होगा, थिंग हो गया, यहाँ पर पर्सन थे यहाँ पर थिंग हो गया, ओल्डेस्ट ट्री ऑफ दिस विलेज। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सम एंड एनी, सम यूज करते हैं यूजुअली, अफर्मेटिव सेंटेंस यूज होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव भी यूज करते हैं जब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट उसमें पेक की गई हो, जैसे कहा जाए आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ खाना है, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे, जहां पर ये आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप ये करेंगे,
तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका जो एनी लिखा हुआ, एनी हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बोथ यूज करते हैं। जैसे इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस पेपर, इस पेपर में क्या कोई मिस्टेक है ना। आई हैव नॉट एनी वाटर इन दिस बकेट, ठीक है ना। इस तरीके से आप नेगेटिव यूज कर सकते हैं एनी को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एडजेक्टिव। द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव इज कंप्लीटेड टुडे एंड the exercise will be sent to you. Thank you.